हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको विटाग्रीन ब्रांड के अस्था क्लीन कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अस्थमा की शिकायत से परेशान है, अस्थमा की शिकायत को दूर करना चाहती है या फिर अपने शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं अस्था क्लीन कैप्सूल के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गए 30 कैप्सूल प्रेजेंट है जो की 500 mg में अवेलेबल है, जिसका उपयोग आपके अस्थमा की शिकायत को दूर करने में किया जाता है। सांस लेने में तकलीफ से आपको आराम देता है और आपके शरीर को भी हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। इंग्रीडियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर जो इंग्रीडियंट हैं, जैसे कि इसके अंदर है कुरकुमा लौंगा, पेपर निग्रम, पेपर लौंगा और भी गाइस बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो कि अस्थमा की शिकायत को दूर करने में मदद करेंगे। डोज की बात करें तो डेली अपन को गाइस एक कैप्सूल लेना है। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। इसके जो 30 कैप्सूल है वो आपको 293 रुपए में मिलेंगे, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिए गाइस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ जो भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी है। बहुत ही अच्छा कैप्सूल है गाइस, आपके अस्थमा की शिकायत को दूर करेगा और शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। बस आपको ओवरडोजेस नहीं लेना, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।